हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोली पॉइंट। दोस्तों, काजल देवगन के बाद अब उनकी बेटी निशा देवगन के बारे में भी बुरी खबर आ गई है। ये ऐसी खबर है जिसे सुनने के बाद आपका दिल भी परेशान हो जाएगा। दोस्तों, ये खबर कौन सी है, तमाम खबर की डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त की जाती है कि मजीद बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे नित नई खबरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब के स्मर्फी चैनल बॉली पॉइंट को पहले सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानती हैं कि काफी दिनों से काजल देवगन कोविड-19 का शिकार हैं और लाख कोशिशों के बावजूद उनकी तबीयत दिन ब दिन खराबी की जानब जा रही है। और यही वजह है कि निशा देवगन अपनी मॉम की बिगड़ती हालत देख कर बर्दाश्त न कर पाई और निशा देवगन भी बीमार पड़ गए। दोस्तों, निशा देवगन अपनी मामा का सदमा बर्दाश्त न कर पाई और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं। दोस्तों, उसके बाद अजय देवगन ने फौरी तौर पर अस्पताल के अंदर निशा देवगन को मुंतकिल किया, जिसके बाद डॉक्टर्स का चेकअप करने के बाद कहना था कि डरने घबराने की कोई बात नहीं है, निशा देवगन टेंशन लेने की वजह से बीमार हुई हैं। अजय देवगन को डॉक्टर्स का कहना था कि आप अपनी बेटी को कोई भी बुरी खबर ना बताया करें, क्योंकि उनका दिल छोटा है और वो बीमार पड़ जाती हैं, हो सकता है वो टेंशन की वजह से दिल के अमराज में भी मुबतला हो सके। दोस्तों, इसलिए आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और निशा देवगन के लिए गेट विल सोन भी लाजमी लिख दें। और मजीद बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे नित नई खबरों से बाखबर रहने के लिए यूट्यूब के स्मर्फी चैनल बॉली पॉइंट को भी सब्सक्राइब कर दें।